हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, क्लास 12 की अपन एक और यूनिट देखते हैं, ठीक है। अध्याय 5 सतह रसायन, ठीक है। तो बच्चों, इसमें अपन दो प्रकार के क्वेश्चनों को लेंगे। कुछ क्वेश्चन क्या है आपके यहाँ पे प्रश्न बैंक के शामिल होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके क्या है प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हुए होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिलों की चिमनियों में धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक क्यों लगाया जाता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन। आप सभी को पता है कि जो मेल है, मेलों की चिमनियों में क्या होता है यहाँ पे, या जो फैक्ट्रियाँ हैं इनकी चिमनियों में हानिकारक क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। ये धुआं क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। धुआं क्या होता है, कोलाइडी विलयन। और ये कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं और अन्य कण होते हैं, साथ ही साथ क्या होती हैं, वायु, ठीक है। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, धुआं। धुआं क्या होता है, एक कोलाइडी विलयन। अब जो धुआं है बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जो वायु प्रदूषण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मिलों एवं फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं में, ठीक है, कार्बन एवं अन्य कणों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, जो क्या करता है, वायु के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बनाता है, ठीक है। और यह धुआं वायु प्रदूषक का कार्य करता है, जो स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब बच्चों देखो, धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक क्या होता है। धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक क्या होता है, एक लोहे का गोला होता है, ठीक है, जो क्या होता है, यहाँ पे विद्युत धारा से जुड़ा होता है, ठीक है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से, ठीक है। जब इससे ये जुड़ा रहेगा तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, अपन इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि धुआँ है, धुआँ एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं, और कार्बन के कण में क्या होता है, ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोलाइडी विलयन बनता है धुएं वाला, ये ऋणावेशित रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो गोला है अपना कैसा है, ये धनावेशित है, कौन, धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक, ठीक है। तो विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, अर्थात ये जो धुआं है ये इसके तरफ आकर्षित होगा, धनावेशित लोहे के गोले की तरफ, ठीक है, विपरीत आवेश के कारण। और यहाँ पे ये धनावेश और ऋणावेश मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे अवक्षेप बना लेंगे, और अवक्षेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी चिमनी के तली में कैसे होते जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। तो धुआं यहाँ से प्रवेश करेगा, लेकिन कार्बन यहीं पे आकर्षित हो जाए, सिर्फ जो वायु है, ठीक है, कार्बन रहित जो गैस है वो बस यहाँ से चिमनी से बाहर निकलेगी, और जो गैस बाहर निकलेगी ये हानिकारक नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब ये वायु प्रदूषण का कार्य नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो यही आंसर है अपना कि चिमनियों में धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक लगाया जाता है, जो धातु का एक कैसा होता है बच्चों, गोला होता है, जिसमें धनावेश रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, ऋण आवेशित कार्बन कणों को आकर्षित कर विद्युत उदासीन कर देता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, हानिकारक कण अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं यहाँ पे तली में, और धुआं क्या होता है, कार्बन रहित वायु को बाहर निकाल देता है। इस प्रकार बच्चों इसका आंसर करना है आपको, है ना बच्चों। यहाँ पे प्रश्न बैंक का एक और क्वेश्चन है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार देंगे कि रक्त देखो एक क्या है, कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है, और जिसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश, ठीक है। अब रक्त के संपर्क में अपन क्या करें, एलम या फिटकरी लाएँ, या FeCl3 को लाया जाता है। तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पर इन सभी में कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश, और रक्त में कौन सा आवेश पाया जाता है, क्या, नेगेटिव आवेश, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और क्या बना देते हैं, अवक्षेप टाइप का, अवक्षेप टाइप की घटना होती है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रक्त का स्कंदन हो जाएगा, ठीक है, जिससे रक्त बहना रुक जाएगा, रक्त यहाँ पे क्या हो जाता है, जम जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। देखो क्या होता है, वायुमंडल में धूल आदि के कण होते हैं, ठीक है। वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल आदि के कण, और ये कण क्या होते हैं, वायु के साथ मिलकर किसका काम करते हैं, कोलाइडी कण का, ठीक है। अब इन कोलाइडी कणों से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जब टकराता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिनसे सूर्य का प्रकाश टकरा कर क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। चूँकि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो अधिक होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी लाइट होती है, वाइट लाइट, ठीक है। मान लो ये कोलाइडी कण है, इससे टकरा गए हैं तो सारे प्रकाश कैसे हो जाएंगे, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीला है और जो वायलेट रंग है, इनका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो नीला रंग है इसका, ये प्रकीर्णित होकर क्या होता है, ह्यूमन आइस तक जाता है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, ये नीला दिखाई देता है, ठीक है।
तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है एवं नीला प्रकाश का होता है हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बच्चों कि उगता हुआ एवं डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है क्यों, अर्थात सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, या फिर ऐसा बोले सुबह के समय या शाम के समय। ठीक है, तो क्या होता है सुबह एवं शाम के वक्त क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबी दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो क्या होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या होता है, सूरज बहुत दूर होता है पृथ्वी से। ठीक है, तो लंबी दूरी तय करके प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। ठीक है, अब इन किरणों के मार्ग में, ठीक है, मान लो सूर्यास्त के टाइम में क्या होता है, इन किरणों के मार्ग में क्या होते हैं बहुत सारे धूल और वायु के कण होते हैं। ठीक है, जब इसका काम करते हैं कोलाइडीकरण का। ठीक है, अब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, इनसे टकरा कर क्या हो जाती हैं, प्रकीर्णित हो जाती हैं। जो आप सभी को पता है कि प्रकीर्णन में नीले एवं बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। ठीक है, नीले और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। ठीक है, तो जिनका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाएंगी। ठीक है, वहीं पर रह जाएंगी। ठीक है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन कैसे होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, रेड कलर का प्रकीर्णन कैसे होता है, सबसे कम। ठीक है, तो यही प्रकाश का होता है लंबी दूरी तय करके क्या होता है हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है हमको यहाँ पर आंखों में पहुंचता है, इसके कारण उगता हुआ और डूबता हुआ सूरज हमको लाल दिखाई देता है। तो यही कारण है बच्चों यहाँ पे सुबह और शाम के समय का होता है जो सूर्य है हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, अब दूरी तय करने के लिए केवल लाल किरणें ही क्या होती हैं, सक्षम होती हैं कितनी दूरी तय करके हमारी आंखों तक ये पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा इसलिए ये लंबी दूरी तय करेंगी, और यहाँ पे इनका सभी का प्रकीर्णन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाती। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घट जाता है। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा क्यों कम हो जाती है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे बच्चों कि जो भौतिक अधिशोषण है यह एक ऊष्मा छिपी प्रक्रम है। ठीक है, अर्थात यदि हम कोई ठोस लें और उसमें किसी गैस का अधिशोषण करें, ठीक है, तो क्या होता है यह अधिशोषित हो जाएगी, ठोस पर गैस का अधिशोषण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, इसलिए कौन सा प्रक्रम है, ऊष्मा छिपी प्रक्रम है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ऊष्मा छिपी प्रक्रम का मतलब है कि तंत्र अपनी ऊष्मा कम करना चाह रहा है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो यदि आप ताप घटाओगे, ठीक है, तो सामने अग्र दिशा में स्थापित होगा। ठीक है, ताप घटाने पर इसकी हेल्प होगी क्योंकि ये ऊष्मा निकालना चाह रहा है और आप इसकी हेल्प कर रहे हो ताप घटा कर। ठीक है, तो सामने अग्र दिशा में जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो अभिकारक हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनाएंगे और अभिक्रिया के लिए घटना अनुकूल रहेगी। ठीक है, ताप घटाने पर, और यदि क्या कर दो बच्चों, आप यदि ताप बढ़ा दो, ठीक है, वैसे ही तंत्र कैसा है, उसमें छेपी है। ठीक है, और आप ऊपर से और ताप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साम पश्च दिशा में आ जाएगा, वापस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अधिशोषण कैसा हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, अधिशोषण होगा ही नहीं, ठीक है, और घट जाएगा। तो यही कारण है ले सातेली के नियम के अनुसार क्या होता है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, साम कैसा हो जाएगा, पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे ताप वृद्धि से भौतिक अधिशोषण कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों के प्रकार लिखिए। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन बच्चों निम्न 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, एरोसॉल हैं, सॉल का नाम आपने सुना होगा, पायस का नाम सुना होगा, झाग का नाम सुना होगा, जेल के नाम सुने होंगे। ठीक है, ये सभी क्या हैं, कोलाइडी विलयन के प्रकार हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन देखते हैं। तो पहला कोलाइडी विलयन है बच्चों, या कोलाइडी विलयन को अपन यहाँ पे तंत्र का प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अपन जो परिक्षेपण माध्यम लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे गैस रहता है और परिक्षेपण जो प्रावस्था है वो ठोस रहती है। अब यहाँ पे बच्चों परिक्षेपण माध्यम का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, या आप इसको यहाँ पे विलायक समझ लो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे परिक्षेपण प्रावस्था का मतलब है कि जो चीज़ें क्या हो, कम हो, या जैसे अपन यहाँ पे विलेय लेके चलें। ठीक है, समझने के लिए जैसे कि अपन यहाँ पे एरोसॉल की बात कर रहे हैं, तो एरोसॉल में परिक्षेपण माध्यम कैसा, गैस, मतलब गैस बहुत ज़्यादा माध्यम में रहे। ठीक है, और ठोस कैसा रहे, बहुत कम रहे परिक्षेपण प्रावस्था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, धुआं। ठीक है, आप सभी को पता है धुएं में कैसा होता है, गैस बहुत ज़्यादा होती है और कुछ कुछ बहुत कम मात्रा में ठोस के कण रहते हैं, जैसे कार्बन वगैरह के। ठीक है, अब दूसरा बच्चों द्रव एरोसॉल, सीधी सी बात है कि यहाँ पे गैस कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण प्रावस्था अर्थात कम मात्रा में क्या रहेगा, द्रव, जैसे कोहरा।
ठीक है, सुबह सुबह फैलता है और आप सभी को पता है यहाँ पे गैसें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत कम में द्रव के कण रहते हैं। अगला बच्चा सॉल, ठीक है, सॉल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम द्रव रहेगा, मतलब द्रव बहुत ज़्यादा रहेगा और ठोस कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा। ठीक है, जैसे स्वर्ण सॉल, ठीक है, गोल्ड गोल्ड सॉल वगैरह। ठीक है, अगला बच्चों पायस, ठीक है, ये एग्जाम में बार बार आता रहता है। ठीक है, ये द्रव में द्रव का विलायक है, अर्थात यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रवस्था दोनों कैसी होती हैं, द्रव होती हैं। ठीक है, जैसे आपने दूध देखे होंगे, ठीक है, जल में तेल, ठीक है, इसमें दोनों कैसे हैं, यहाँ पे द्रव हैं। ठीक है, दूध में भी क्या होता है, दूध में जल और यहाँ पे जो प्रोटीन है दोनों कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। अगला बच्चों यहाँ पे झाग, जैसे साबुन का झाग आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, द्रव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, और परिक्षेपण प्रवस्था कम मात्रा में क्या होता है, यहाँ पे गैस होती है। ठीक है, जैसे साबुन का झाग। अगला है बच्चों ठोस सॉल, ठीक है, जैसे नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे दोनों कैसे हैं, ठोस अवस्था में है। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रवस्था दोनों। ठीक है, जैसे रत्न, ठीक है, रत्न क्या होता है, एक ठोस दूसरे ठोस से मिलाया जाता है, जिसमें एक ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। ठीक है, रंगीन कांच। अगला है बच्चों जेल, ठीक है, आपका आपके घरों में इसका उपयोग भी है, जैसे पनीर। ठीक है, तो पनीर में क्या होता है बच्चों, ठोस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अर्थात ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में इसमें द्रव बचा रहता है। ठीक है, पनीर में, तो ये क्या है, परिक्षेपण प्रावस्था द्रव। ठीक है, पनीर है, जेली वगैरह, ठीक है, जेली, ये सब क्या है, ये कोलाइडिविलियन के प्रकार पड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ठोस फैन, ठीक है, नाम से स्पष्ट है यहाँ पे ठोस कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर गैस कैसी रहेगी, कम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अधिशोषित गैसें, इसका एग्जांपल है। देखो बच्चों ये आठ प्रकार के होते हैं, इनको याद कैसे रखना है, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम आपको गैस दो बार लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और एक बार क्या लिखना है यहाँ पे, ठोस और द्रव। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम तीन लिखना है आपको यहाँ पे तीन बार। ठीक है, द्रव द्रव द्रव, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और इससे एक बार क्या मिलेगा, एक बार ठोस, एक बार द्रव, एक बार गैस। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम यदि ठोस लेंगे तो एक बार ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस इससे मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे हार्डी सुलझे का नियम। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता का मतलब होता है बच्चों कोई चीज़ आपस में जम जाए, अर्थात यहाँ पे धनायन और ऋणायन आपस में मिल जाएं, आपस में और कैसे हो जाएं, अवक्षेपित हो जाएं या जम जाएं, उसको बोलते हैं अपन क्या, स्कंदन क्षमता। ठीक है, तो विभिन्न आयनों की जो स्कंदन क्षमता है को समझाने के लिए हार्डी सुलझे ने एक नियम दिया था। ठीक है, तो जिसके अनुसार अब किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर है। ठीक है, जिसकी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी या स्कंदन शक्ति भी अधिक होगी। ठीक है, अपन यहाँ पे इस परिभाषा को एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे अपने को पास एग्जाम्पल पर धनावेशी साल है, जहाँ पे एफ ई क्या है, यहाँ पे थ्री प्लस आयन की अवस्था में। ठीक है, ये धनावेशी साल है। ठीक है, ये धनावेशित सॉल को जमाने के लिए या स्कंदित करने के लिए ऋणावेशित सॉलों की आवश्यकता होगी। अब ऋणावेशित सॉलों में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संयोजकता जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, संयोजकता का मतलब होता है यहाँ पे विपरीत आवेश किसके पास ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे फॉस्फेट आयन के पास ज़्यादा संयोजकता है या ज़्यादा विपरीत आवेश है, तो इसको आसानी से जमा देगा, इसका एक ही आयन इसको जमा देगा या स्कंदित कर देगा। ठीक है, इसका एक आयन यहाँ पे पर्याप्त नहीं रहेगा स्कंदित करने के लिए, थोड़े ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, और इसके क्लोराइड आयन के तीन आयन स्कंदित कर पाएंगे इसके एक यहाँ पे फेरिक को। ठीक है, तो ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति क्या होती है, इस प्रकार घटते जाती है। ठीक है, तो जिसकी जितनी अधिक संयोजकता होगी उसकी उतनी अधिक स्कंदन शक्ति होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर फॉस्फेट आयन की स्कंदन शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, सल्फेट से और फिर क्लोराइड से, सीधी सी बात है किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा संयोजकता रहेगी उसकी स्कंदन पावर भी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो बच्चों आप बात करें यहाँ पे ऋणावेशित साल के लिए, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के लिए। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड में यहाँ पे जो सल्फाइड आयन है बच्चों ये ऋणावेश के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इनको जमाने के लिए, स्कंदित करने के लिए धनावेशित आयनों की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो जिसकी संयोजकता जितनी अधिक रहेगी या जिसके पास जितना ज़्यादा धनावेश रहेगा वो इन सल्फाइड आयनों को उतने जल्दी स्कंदित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकी स्कंदन क्षमता यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम की स्कंदन क्षमता उससे कम है। ठीक है, बेरियम की उससे कम है और यहाँ पर पोटेशियम की उससे भी कम है। ठीक है,